म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अभी 10 महीना है और 10 महीने के पीरियड ये बहुत होता है और मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ। आप गैर सियासी बोल रहे हैं लेकिन यहाँ काम की सुबह और शाम तो सियासी होता है, लेकिन जो भी मैंने काम को हाथ में लिया उसमें कामयाब हुआ, अल्लाह ने मुझसे ही काम लिया। जो लोग आज मजहब के नाम पर वोट लेते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे ऐसा कोई भी काम नहीं लिया। मेरी नियत साफ है, इंशाअल्लाह मैं इसको कामयाब करके बताऊंगा। एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अभी 10 महीना है और 10 महीने के पीरियड ये बहुत होता है और मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ रोज पहले आपने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका सवाल है, आप लोगों ने देखा सर्वे नंबर 107 नया सलाटर हाउस के पीछे जो कब्रिस्तान की जमीन खरीदने की बात आई थी, उस वक्त तो मुकम्मल तौर पर मैंने कार्रवाई की, जमीन को खरीदी करवाया। आज वहां वॉल कंपाउंड और जनाजा हॉल का काम चल रहा है। इसी तरीके से अभी उस्मान सेठ चमड़े वाले मरूम उनके बच्चों ने 2 एकड़ जमीन कॉर्पोरेशन को वक्फ की, बजट में तरतूद हुआ, उसकी भी कार्रवाई अभी जारी है। जो जो मजहबी मुकामात के लिए जो काम मैंने हाथ में लिया, अल्लाह का करम है कि आज तक मैं उसके अंदर कामयाब हुआ और ये काम भी मैं कामयाब करूंगा। लेकिन वहां पर हमेशा सियासत हावी रही, वहां पर जमीन माफिया ने कभी नहीं चाहा कि वहां कब्रिस्तान बने। कुछ लोगों ने जमीन माफिया के साथ सौदा कर चुका है और ये बात हमारे साथी रियाज अली और उनके जिम्मेदारान ने जाकर बात को मंजर आम पर लाया। जब जाकर वहां की आवाम बेदार हुई, लेकिन क्योंकि वो जमीन 4 एकड़ है, वो छोटा पड़ेगा। हम लोग जो गुरवार वार्ड है, जो इस इलाके जो मालदा शिवार है, यहाँ पर आबादी ज्यादा है, ये 8.5 एकड़ जमीन है, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये है कि इसके ऊपर तेजी से कार्रवाई होना चाहिए।